हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू की टू सक्सेस कोचिंग। फटाफट सब लोग लाइव क्लास लाइव ले लीजिए, लाइव सेशन पे आ जाइए और लिंक वगैरह को शेयर कर दीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको वॉइस क्लियर हो तो आप कमेंट करें और बताएं कि वॉइस क्लियर है। फटाफट सब लोग लाइव आ जाइए। स्टूडेंट, मैं आज अपना, चूँकि कल का जो हम लोगों का क्लास था उसमें वॉइस की थोड़ी सी प्रॉब्लम भी थी और मैंने जो चीज़ें आपको पढ़ाया वो था आपका इंग्लिश फंडामेंटल या इंग्लिश ग्रामर का बेसिक कंसेप्ट था। सॉरी, बेसिक में आपको क्या पढ़ाया था, मैंने सिलेबस। नाउ टुडे आई टीच यू सम बेसिक कंसेप्ट स्ट्रक्चर फॉर फर्स्ट क्लास। तो फ्रेंड्स, फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, हम लाइव आ चुके हैं और लोगों को लिंक वगैरह शेयर कर दीजिए ताकि आप लोग क्या कीजिए, फटाफट पढ़ना शुरू कर देते हैं। हाँ विवेक जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। संतोष, रीना, राहुल, अभिषेक, सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। चलिए, आई होप कि आप लोग कनेक्ट कर हो चुके होंगे और चूंकि आपको पता है कि लाइव क्लासेस में दो चार मिनट इधर उधर सब स्टूडेंट्स आते रहते हैं तो इस समय 7:05 हो रहा है, एक मिनट का और टाइम मिलता है आप लोग को, तो आप लोग तब तक लिंक शेयर कर दीजिए और लोगों से बोलिए कि अब लाइव आ जाए। आप लोग चाहे तो कमेंट करते रहिए, तब तक कमेंट में हमको पता चलता है कि आप लोग लाइव आ चुके हैं और क्या कंडीशन है आपकी, वॉइस क्लियर है, वीडियो जो है विजिबल है या नहीं है, ये सारे चीज़ें हमको क्लियर होता रहता है तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, आज आपकी पहली क्लास है। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इसका इंग्लिश जो फंडामेंटल है, इंग्लिश जो ग्रामर है उसका सिलेबस क्या होता है, ठीक है, इसको हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज हम शुरुआत कर देंगे स्टूडेंट जो जीरो लेवल पे था, यानी कि अगर आप सिलेबस को देखे होंगे तो उसमें 1, 2, 3 से तो चलता है लेकिन 1 के पहले मैंने एक जीरो चैप्टर बनाया था, उस जीरो से हम लोग शुरुआत करते हैं। चूँकि बहुत से स्टूडेंट का मानना है कि सर हमें इंग्लिश की बेसिक सी जानकारी नहीं, कुछ भी जानकारी नहीं, इंग्लिश से डरे हुए रहते हैं और इंग्लिश से बड़ा डर लगता है तो कुछ हो नहीं पाता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो जो जीरो लेवल कंसेप्ट है उसको मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इससे हमें पढ़ाने में तो अच्छा लगता है, आप लोगों को भी समझने में बहुत आसानी होगी क्योंकि इस बेसिक में हम लोगों ने वही पढ़ाया है, वही रखा हुआ है जो बच्चा जन्म लेके उसके बाद से जो उसके माहौल में सब पढ़ता है और क्या क्या चीज़ें वो सीखता है,
ठीक है, और धीरे धीरे अपने घर की चीज़ों को, अपने फिर बाहर की चीज़ों को धीरे धीरे वो सीखने लगता है ना, तो वहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। चूँकि लैंग्वेज की जो हम बोले डेवलपमेंट होता है वो वहीं से शुरुआत होता है, बर्थ से। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके अंदर जो बैठा हुआ डर है ना, जो छिपा हुआ डर है, उसको तो आप निकाल फेंकिए। और उसका तरीका क्या है, आज की क्लास से आपको पता चल जाएगा कैसे आप उसको निकाल फेंकेंगे। चलिए आज देखते हैं हम लोग। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं जो हमारा पहला चैप्टर है। सबसे पहले मैं आपका बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, बोर्ड वाइट तो कम ठीक लगता है हमें, ये ज़्यादा सही रहेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ, तो ये जो बेसिक कंसेप्ट है, आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। सम बेसिक कंसेप्ट, आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्या है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट जो है स्टूडेंट, ये थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर कभी ये लगे कि हमें इंग्लिश आता है, मैं बहुत आगे पढ़ चुका हूँ, मुझे सब कुछ पता है, तो थोड़ा सा आप धैर्य रखें, चूँकि मुझे भी पता है कि आपको आता है। बट अभी ऐसा कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आज चूँकि आपकी फर्स्ट क्लास है ना, तो अभी जब मैं वॉवल और लेटर तक पहुँचूँगा ना, लेटर तक, वॉवल कंसोनेंट तक, तो अभी मैं आपको ये क्वेश्चन मैं दिखाने का प्रयास करूँगा जो एग्ज़ाम में कई बार आए हैं। ठीक है, आपकी पहली क्लास में ही, या हो सकता है आज ना हो पाए चूँकि मुझे आज एकदम बेसिक से एकदम समझाना है, तो कल की क्लास में आपको ज़रूर मिलेगा कि आपको ये बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ, जिनको लगता है कि मुझे बहुत कुछ आता है ना, वो भी इस क्वेश्चंस को देखेंगे तो कहेंगे हाँ ये एग्ज़ाम में आता है, जो कि मुझे कभी पहले पता ही नहीं था। ओके, तो बात करते हैं। हम अपने कंसेप्ट को स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। ओके, आइए
नेक्स्ट है, अब मैं फर्स्ट वर्ड अपना लेने वाला हूँ जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं। तो ये इंग्लिश स्टूडेंट्स आपको समझना पड़ेगा, देखिएगा जो इंग्लिश नाम का वर्ड है ना, इसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। हम चाहते हैं कि सबसे पहले आपको वर्ड मीनिंग पता चले, उसकी हिंदी क्या होती है, उसका कंसेप्ट क्या है, उसका यूज कहाँ होता है। इसको पढ़ने के बाद हम लोग तब आगे समझेंगे कि ये जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है जन्म से वो कैसे होता है। ठीक है, तो देखिएगा जो इंग्लिश नाम का वर्ड है सबसे पहले उसको मैं आपको बता देता हूँ कि इसका हिंदी बनाने से पहले मैं हमेशा बताता हूँ, मेरा एक प्रयास रहता है और आप लोग के लिए बेनिफिशियल भी रहेगा कि जितने इसकी मीनिंग बनते हैं वो इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कहे जाते हैं। तो ब्रैकेट में एन फॉर नाउन लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझिएगा, एन फॉर नाउन, ए डी जी फॉर एडजेक्टिव। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमको ये भी पता चलता जाएगा कि जो वर्ड ट्यू इसका हिंदी होगा अंग्रेजी से संबंधित, या इसको हम लोग कभी कभी अंग्रेजों से संबंधित बोलते हैं। ठीक है ना, अंग्रेजी संबंधित या कभी कभी हम क्या बोलते हैं, अंग्रेजों से संबंधित। क्लियर हो पा रहा है? तो हम लोगों ने अभी कितने मीनिंग देखा इंग्लिश के, तीन वर्ड मीनिंग्स। नाउन है जिसका मीनिंग होता है अंग्रेजी भाषा, जिसको हम लैंग्वेज भी बोलते हैं, और दूसरा होता है वो भी नाउन है अंग्रेजी विषय, जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और तीसरा होता है एडजेक्टिव जिसका हिंदी होता है अंग्रेजी से संबंधित या अंग्रेजों से संबंधित। क्लियर, अब मुझे ये बताना है कि जो लैंग्वेज है और सब्जेक्ट है यानी भाषा और विषय, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, देखिएगा ये जो लैंग्वेज होता है ये कहाँ चलता है और ये सब्जेक्ट जो होता है वो कहाँ चलता है। लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई प्रिपरेशन करते हैं ना किसी भी एग्ज़ाम का, सपोज़ कि सीपीओ हो गया, ठीक है, यूपीपीएससी हो गया, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, ठीक है, और इसका यूज हम लोग स्पोकन वगैरह में भी करते हैं, स्पोकन रीडिंग एग्ज़ाम्स। ठीक है, और ये एग्ज़ाम्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं स्टूडेंट्स ज़रा बताइएगा। ये एग्ज़ाम्स जैसे एसएससी वगैरह हो गया ना, एसएससी में आपको पता है कि कई पार्ट होते हैं ना, एसएससी में जैसे हमारा हो गया क्या, मल्टीटास्किंग, जिसको हम लोग 10th स्टैंडर्ड बोलते हैं। ठीक है, फिर 10+2 स्टैंडर्ड होता है, और इसको हम लोग CGL के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा इसकी प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स, आपके SSC की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा मिलते हैं, 10th और उसके बाद 12th, या फिर एक CGL होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, और 10+2 को हम लोग हायर सेकेंडरी लेवल भी कहते हैं, HCL हायर सेकेंडरी लेवल। ठीक है, तो ये सब सारे क्या होते हैं, हमारे कुछ पोर्शंस होते हैं जहाँ पर हमारा जो इंग्लिश होता है लैंग्वेज, ठीक है, इस लैंग्वेज को हम लोग पढ़ते हैं और वहीं से हम लोगों को एग्ज़ाम में आता है। क्लियर, और एक चीज़ आपको पता होगा, ये जो हमारा अंग्रेजी विषय है जिसको हम लोग सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, ये क्या है। ठीक है, ये जो हम लोगों का अंग्रेजी विषय है ना, अंग्रेजी विषय एकेडमिक लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे, फॉर एग्ज़ाम्पल 10वीं में, 12वीं में, ठीक है, जो हम लोग पढ़ते हैं ना 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड में, तो वहाँ पे जो हम लोगों का एक सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, वहाँ पे हम लोग इसको पढ़ते हैं। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये एकेडमिक लेवल हो गया कि नहीं, एकेडमिक लेवल एग्ज़ाम्स में होते हैं, इसको हम लोग 10th बोल सकते हैं, यानी 10वीं में भी, 12th में भी। ठीक है, अब ये क्या है, अब ये चाहे आपका UP बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो,
ठीक है, बोर्ड से कोई मतलब नहीं। अगर टेंथ है ट्वेल्थ है तो उसमें अगर इंग्लिश आता है ये लैंग्वेज, तो उसको हम लोग यहाँ से पढ़ के और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे, जो ग्रेजुएशन लेवल है, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे जो ग्रेजुएशन लेवल है, इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं। देखिए आप लोगों को, कुछ लोगों को तो पता ही होगा, ठीक है, हमने कहा जैसे बीए में कोई लेता है ना, बीए में इंग्लिश सब्जेक्ट ले लेता है, एमए में ले लेता है, ठीक है, और इसमें जो सब्जेक्ट होता है उसको हम लोग लिटरेचर भी बोलते हैं, और लिटरेचर में क्या होता है जैसे आपको पता होगा शेक्सपियर क्या होते थे, शेक्सपियर का नाम तो कुछ लोगों ने सुना ही होगा, तो ये जो शेक्सपियर थे वो लिटरेचर के अंतर्गत आते हैं। इससे जैसे शेक्सपियर हो गया या कोई और भी अदर पोएट वगैरह हो गया था, तो इन सब के बारे में जो जानकारी हम लोग पढ़ते हैं, इनके बारे में क्वेश्चन आंसर हमारे एग्जाम में आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एकेडमिक लेवल या ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा ये कम्प्लीट होता है, इंग्लिश नाम का जो वर्ड है आपको पता होगा, अंग्रेजी विषय हो गया, ठीक है, एकेडमिक लेवल। और जो अंग्रेजी भाषा, और हम आपको बता दें ये अभी जो अंग्रेजी विषय यानी कि जो सब्जेक्ट चल रहा है वो, जैसे इसका सब्जेक्ट आ गया है लिटरेचर वगैरह का, आप लोग अगर टेट सीटेट जानते होंगे ना, टेट सीटेट, ठीक है, यूपी टेट में आता है और सीटेट में आता है, तो इन सब में जो इसका इंग्लिश का सिलेबस है ना, उसमें आपका ये लैंग्वेज तो है ही, ये जो लैंग्वेज है ये तो है ही, और ये जो सब्जेक्ट है इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, तो उसके लिए आप वहां से पढ़ लेंगे। बट अगर हम बात करें जैसे कम्पिटेटिव लेवल के एग्ज़ाम्स का, ठीक है, तो वहां पर हम लोग विषय को ना पढ़कर, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है इसको ना पढ़कर हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये लैंग्वेज पढ़ते हैं, ओके। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं ये अपने लैंग्वेज से। तो लैंग्वेज है क्या स्टूडेंट, आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा कि लैंग्वेज एक ऐसा तरीका होता है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, बातचीत करने का प्रयास करता है, समझने का प्रयास करता है, उसकी फीलिंग को समझने का प्रयास करता है, उसे हम, ये हम लैंग्वेज कहते हैं, भाषा कहते हैं, ओके। बट ये लैंग्वेज पढ़ता कौन है, सीखता कौन है, क्या हम लोग सीखते हैं? नहीं, हम लोग जब जन्म लेते हैं ना, तो जो वहाँ से शुरुआत होता है उसका सीखना हम लोगों का, वहाँ से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, जन्म पे चलते हैं, यानी कि बर्थ पे चलते हैं। तो बर्थ क्या है, अब मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, इसको अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे हमारे, बट अगर आप, हम, मैं एक क्या करता हूँ, एक कमेंटमेंट कर रहा हूँ आपसे, और आप लोग भी मेरे से कमेंटमेंट कीजिए कि अगर आपको कम्प्लीटली ये पूरा आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से करना है, टाइम चाहे जो भी लगेगा, मैं कम्प्लीटली आपको ये समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप कॉपी और पेन हमेशा लेके बैठा करें, ठीक है, ये हमारा आपसे एकदम बोलते ना, एकदम अच्छे से रिक्वेस्ट है, आप कॉपी पेन हमेशा लेकर बैठें, अगर अभी आपके पास है तो बेटर है, अगर नहीं है तो भाग के जाइए, पहले लेकर आइए, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे चीज़ें अभी तो YouTube पे उसे पढ़ा तो रहेगा, बट क्या करिए ना कि आप ये जो लाइव सेशन लेते हैं ना, तो उससे बहुत सी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो पाती हैं। और मेरा मानना ये भी है कि आप इसको लिखते चलें, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, इसलिए आप इसको लिखते रहें और समझते चलें। आइए अब आगे देखते हैं, अब हम बात करते हैं लैंग्वेज की, ठीक है, ये लैंग्वेज है क्या जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाषा, ये है क्या, ठीक है।
तो ज़रा समझने का प्रयास करें, इसको हम लोग बर्थ पे चल के सीखते हैं। यानी कि जब किसी भी व्यक्ति का बर्थ होता है ना, जन्म होता है, तो वहाँ से वो कैसे कैसे चीज़ों को सीखता है, हम लोग यहाँ से चर्चा करेंगे। अब एक बात बताइए स्टूडेंट, आपको पता है ना कि जब माँ के घर में बच्चा होता है तो सबसे पहले उसका कौन सा पार्ट्स ऑफ बॉडी डेवलप होता है, ठीक है? तो कुछ लोग कहेंगे हार्ट होता है, कुछ लोग कहेंगे ब्रेन होता है, ठीक है? मेरा मानना है कि ये ब्रेन होता है, ठीक है ना? तो ब्रेन में वो कैसे कैसे चीज़ों को समझता है, चलिए मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ बना के। वैसे मेरा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सही नहीं है, सपोज़ करिए कि ये कोई व्यक्ति है, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है, उसका कंठ होता है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको कॉर्ड बोलते हैं, कॉर्ड को हम लोग कंठ बोलते हैं, ठीक है? ये हो गया कॉर्ड। मेरा जो है स्ट्रक्चर बनाने का तरीका थोड़ा सा कम सही है। आप लोग केवल समझने का प्रयास कीजिए कि आपको जो थ्रोट होता है ना, गला होता है, तो उसमें जो जैसे कि आप लोग जब बोलते हैं तो ये आवाज़ आती कहाँ से, कंठ से आती है, ठीक है? अभी ये मैं बात कर रहा हूँ, ये एक छोटा सा बच्चा है, ये क्या है, अभी एक छोटा सा बच्चा, ये कंठ है इसके पास, और यहाँ से जो चीज़ें वो बोलता है, चूँकि जब जन्म होता है तो बच्चा रोता है, ठीक है? रोता है तो उसको कुछ पता नहीं होता है, ए न ए बी सी डी पता होता है, न तो क ख ग घ, कोई भी चीज़ उसे पता नहीं, यानी कि लैंग्वेज के बारे में वो अननोन है, ठीक है? कुछ भी उसको जानकारी नहीं है। तो वो जब रोता है तो कौन सी चीज़ कहलाता है, क्या कहलाता है, तो मैं आपका बता दूँ, वोकल कॉर्ड से वो पहले रोता है, क्योंकि उसके पास तो टंग तो होता है, बट वो टंग का प्रयोग करना नहीं जानता, ठीक है? लिप्स होता है, उसका प्रयोग करना नहीं जानता, टीथ तो होता ही नहीं उस कंडीशन में, ठीक है? पायलट होता है, उसका भी प्रयोग करना नहीं जानता, पायलट मतलब तालू होता है, ठीक है? ये सारे चीज़ें उसके पास होता है, बट वो यूज़ करना नहीं जानता है, क्लियर? तो वो यूज़ किसका करता है, तो वो यूज़ करता है इसी अपने कॉर्ड का, ठीक है? तो जिस वो जब रोने लगता है तो जो साउंड उसका प्रयोग किया जाता है, उसके हम वोकल साउंड कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? वोकल साउंड। यानी कि जैसे वो जन्म लेता है और रोने का प्रयास करता है, तो जो साउंड उसके कॉर्ड से निकलता है उसे हम बोलते हैं वोकल साउंड। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, ये टोटल 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये टोटल 20 होते हैं, क्लियर? तो वोकल साउंड यूज क्यों होता है, ज़रा बताइए, वोकल साउंड का यूज वो क्यों करता है? तो मैं आपको बता दूँ, वोकल साउंड इज यूज टू कम्युनिकेट, ठीक है? यानी कि वोकल साउंड इज़ यूज टू कम्युनिकेट, यानी कि कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए जो हम लोग जो बच्चे वो साउंड का प्रयोग करते हैं उसे हम वोकल साउंड कहते हैं। जो टोटल कितने होते हैं मैंने अभी बताया, जो टोटल कितने होते हैं, 20 होते हैं, याद रखिएगा, वोकल साउंड होते हैं 20 टोटल, ओके? अब मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ज़रा देखिए, मान लेते हैं दो व्यक्ति हैं, मान लेते हैं दो व्यक्ति हैं, ठीक है? एक ए है और एक बी है, इसको हम ए मान लें और इसको बी मान लेते हैं, दो छोटे बच्चे हैं, ठीक है? अभी आपस में बात करना चाहते हैं, आपको पता है कि तो आपस में बात करने नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, लैंग्वेज से अननोन है, इनको लैंग्वेज नहीं पता है। अब मान लेते हैं कि ये दोनों बड़े व्यक्ति हैं, ए और बी क्या है, बड़े व्यक्ति, यानी कि जैसे हम और आप हो गए, ये आपस में क्या करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? मान लेते हैं ये जो ए है वो इससे कुछ कहना चाहता है और जो बी है वो कुछ सुनना चाहता है, ठीक है? उसके जस्ट बाद बी कुछ कहना चाहता है और ए कुछ सुनना चाहता है, ठीक है? तो ये जो आदान प्रदान होता है ना शब्दों का, वाक्यों का, इसी को हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। लेकिन ये तो चीज़ हो गई आगे की, ठीक है? तो हमारा कहने का क्या मतलब था कि जो कम्युनिकेशन होता है वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ कहने का प्रयास करता है, वो चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। अब बताइए, अब मैं बात करने वाला हूँ कि जो वोकल साउंड है, अभी मैंने बताया ना कि वोकल कॉर्ड से निकले हुए साउंड को हम
वोकल साउंड कहते हैं। और ये वोकल साउंड है क्या? जब बच्चा जन्म लेता है, जब उसकी पहली आवाज़ उसके कॉर्ड से निकलती है, वो रोने का प्रयास करता है, वो मुँह से तो नहीं रो पाता, उसकी जो जो सारे साउंड आते हैं वो होता है उसके कॉर्ड से, जिसे हम वोकल कॉर्ड कहते हैं, सॉरी वोकल साउंड कहते हैं, जो टोटल 20 होते हैं मैंने बताया। अब ये होते क्या हैं? तो इसका अगर इसको मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मैं ऐसे कह सकता हूँ डियर, कि देखिएगा हम कह सकते हैं द लेटर, मैं क्या डिफाइन करने जा रहा हूँ? वोकल साउंड को मैं कह सकता हूँ द लेटर्स। अभी देखिए वो लेटर्स कैसे हो गया, मैं अभी कुछ देर बाद बताऊँगा। द लेटर्स दैट आर प्रोनंसिएटेड, दैट आर प्रोनंसिएटेड विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ, वोकल कॉर्ड। याद रखिएगा विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, ठीक है। आर कॉर्ड और कॉर्ड, क्या कॉर्ड बताइए जरा, आप लोग बताएं। आर कॉर्ड वोकल साउंड, ठीक है, जिसको हम लोग वोकल वॉवेल भी कह सकते हैं। वोकल वॉवेल जो टोटल कितने होते हैं, याद रखिएगा वोकल कंसोनेंट नहीं है, ये वोकल वॉवेल है, जो टोटल होते हैं 20, मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले, याद है ना। यानी कि यू कैन प्रोड्यूस 20 वोकल साउंड बाय योर वोकल कॉर्ड, इट इज़ कॉल्ड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, याद रखिएगा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि यू कैन प्रोड्यूस 20 वोकल साउंड बाय योर वोकल कॉर्ड, इट इज कॉल्ड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। ओके, नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ये तो हो गया आपका क्या, वोकल साउंड। वोकल साउंड से थोड़ा सा चीज़ें और हमें जानकारी में लेना है। अभी देखिएगा मैं आपको बताना चाहता हूँ, वोकल साउंड को हम लोग किस तरीके से बोल सकते हैं, ये मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। वोकल साउंड जो टोटल होते हैं 20, ये तो आपको पता चल गया। अब मैं इसका दूसरा आपको डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ, यानी कि द लेटर्स दैट प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ लिप्स। लिप्स क्या है आपको पता है? स्टूडेंट थोड़ा सा ये यहाँ पर मुझे आपको एक चीज़ और बताना होगा इसके पहले, जो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है ऊपर, यहाँ पे देखिएगा हम लोग यहाँ पर डिफाइन किए हैं वोकल साउंड को। इट इज़ यूज टू कम्युनिकेट, यानी कम्युनिकेशन के लिए प्रोवाइड किया जाता है। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा द लेटर्स दैट आर प्रोनाउंसिएटेड विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड क्या है, मैंने अभी आपको फिगर में बताया था। आर कॉल्ड वोकल साउंड आर वोकल वॉवेल्स, जो टोटल 20 होते हैं, ठीक है। और ये 20 वोकल साउंड को प्रोड्यूस करना अपने वोकल कॉर्ड से, इसको हम लोग फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, इसको हम लोग फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ये पता हो गया। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो वोकल साउंड है टोटल 20 होते हैं। अब मैं बताऊँ ये वोकल साउंड क्या करता है, जब कोई बच्चा जन्म लेने के बाद, उसका जब बर्थ होता है उसके जस्ट बाद, वो जिस साउंड का यूज़ करता है उसे हम वोकल साउंड कहते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। अब मैं एक बात बताता हूँ, एक होता है कंसोनेंट साउंड, ठीक है, ये था क्या वोकल साउंड, जिसको हम लोग वोवेल साउंड भी कहते हैं, वोवेल साउंड, ये क्लियर हो गया। अब एक बचा गया कंसोनेंट साउंड। तो कंसोनेंट साउंड क्या है, एक बात बताइए,
जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो क्या उसके पास टीथ होता है? नहीं होता है, ठीक है। लिप्स होता है बट उसका वो यूज़ नहीं करना चाहता, यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है, उसको जानता ही नहीं, उसको पता ही नहीं। टंग होता है, जीभ होता है, वो भी वो उसका यूज़ करना नहीं पता है उसको, ठीक है, इसलिए वो यूज़ नहीं करता। बट स्टूडेंट जैसे ही वो क्या होता है, 1 साल 2 साल 3 साल का बड़ा होता है, 3 साल 4 साल हो जाता है, तो अपने पहले पेरेंट्स को कुछ सीखता है, अपने घर वालों से कुछ सीखता है, ठीक है, उसके बाद फिर पड़ोसी से कुछ सीखता है, आगे धीरे धीरे वो सीखता रहता है। जब 3 साल या उसके एबव जब हो जाता है वो बच्चा, तो क्या करता है वो, अब किसी दूसरे को कॉपी करता है, लोग कैसे बोलते हैं उस चीज़ को वो कॉपी करने लगता है, ठीक है, लोग कैसे बोलते हैं इस चीज़ को वो कॉपी करने लगता है। तो जैसे ही वो कॉपी करता है तो क्या क्या कॉपी कर सकता है, याद रखिएगा, अब वो कॉपी करने के दौरान वो अपने लिप्स का प्रयोग करने लगता है, टीथ का प्रयोग, टीथ जो है 3 साल में 2.5 3 साल में बच्चों को आ जाता है, टीथ का प्रयोग करने लगता है, टंग का प्रयोग करने लगता है, अपने बॉडी का प्रयोग करने लगता है, ठीक है। तो अपने इस सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी से प्रयोग करने के बाद जो वो साउंड को प्रोड्यूस करता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम बोलते हैं कंसोनेंट साउंड। क्या बोलते हैं? कंसोनेंट साउंड, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये होते हैं 24। अभी आप कहेंगे सर तो टोटल 26 ही होते हैं, वो 20 हो गया, 24 हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 44। मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, आप लोग को पता है कि केवल 26 ही होते हैं, बट अभी कम्प्लीटली पूरी जानकारी आपको नहीं है। तो मैं अभी आपको ये बता दूँ कि जो कंसोनेंट साउंड है ना, ये जो कंसोनेंट साउंड है ये टोटल होते हैं 24, और ये कैसे बनते हैं अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं इसको डिफाइन करने वाला हूँ, मैं कह सकता हूँ कि द लेटर्स, अभी मैंने आपको इसको डिफाइन किया ना, आप लोग बोलिए द लेटर्स दैट प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ लिप्स, टीथ, टंग, बॉडी एटसेट्रा, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऐसे लेटर को हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड कंसोनेंट साउंड। स्टूडेंट थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, अब मैं आपको इसको क्लियर बताने वाला हूँ। देखिएगा, मैंने कहा द लेटर्स दैट प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ लिप्स, टीथ, टंग, बॉडी, और एक चीज़ इसमें हम जोड़ सकते हैं पैलेट, ठीक है। ये पैलेट क्या होता है, अपने जो जीभ के ऊपर होने वाला है ना तालू, जिसको बोलते हैं तालू का, आप लोग जानते होंगे ना, उसी को हम लोग पैलेट बोलते हैं। यानी कि जब कोई बच्चा अपने टीथ का प्रयोग, अपने लिप्स का प्रयोग, अपने टंग का प्रयोग, अपने पैलेट का प्रयोग करना सीख जाता है, तो जो साउंड वो प्रोड्यूस करता है, उसे ही हम लोग कंसोनेंट साउंड कहते हैं, जो टोटल होते हैं 24। यहाँ तक सबको बात पता चल गया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने का प्रयास करता हूँ। अब शॉर्ट में मैं कैसे समझाने का प्रयास करता हूँ, ज़रा देखिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या कहा, एक लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज बनता किससे, साउंड से। साउंड होते कितने हैं अभी आप लोगों ने देखा, साउंड होते कितने हैं बताइएगा, दो टाइप के, कौन कौन से, वोवेल, जो टोटल कितने होते हैं 20। कंसोनेंट कितने होते हैं, 24, तो प्लस करेंगे तो टोटल कितने हो गए, 44। ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा स्टूडेंट, कुछ ऐसे वॉवेल होते हैं या कुछ ऐसे कंसोनेंट होते हैं जिसको हम और आप जानते तो हैं, लिख सकते हैं, कभी देखे हैं, बट उसको हम लोग साउंड में बोल नहीं सकते। फॉर एग्जांपल,
फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं कि इस सिंबल को कभी आप लोगों ने देखा ही होगा, ये क्या है, कुछ लोग पाई बोलते हैं इसको, ठीक है, ये कुछ वर्ड्स है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है इस प्रकार से होता है, कभी कभी क्या होता है इस प्रकार से होता है। तो ये जो सारे साउंड है ना, ऐसे भी होते हैं, तो ये जो सभी लेटर्स हैं ये क्या है कि कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिसको हम लोग प्रोनंसिएट नहीं कर पाते हैं, तो इन सबको क्या कर दिया गया, इन सबको एक जगह पे मर्ज कर दिया गया, ठीक है, जिनका हम प्रयोग कम कर सकते हैं इनको हम लोग मर्ज कर दिए, ठीक है, यानी कि 20 वोवल साउंड को 5 वोवल लेटर्स में शामिल कर दिया गया, घुसा दिया गया। इसी प्रकार से 24 कंसोनेंट साउंड को 21 कंसोनेंट लेटर में शामिल कर दिया गया। तो टोटल हो कितने गए, अरे सीधी सी बात है ना, टोटल हो कितने गए, अभी मैंने आपको बताया कि जो वोवल साउंड है वो टोटल 20 हैं, इनको क्या कर दिया गया, 20 वोवल साउंड को 5 वोवल्स लेटर में क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। और 24 कंसोनेंट साउंड को, 24 जो कंसोनेंट साउंड है इनको क्या कर दिया गया, लेटर्स में शामिल कर दिया गया, ठीक है, और टोटल हो कितने गए, 21। तो आपको यही चीज़ तो आपको जानकारी में थी, है ना, 21 क्या होते हैं कंसोनेंट और 5 क्या होते हैं, 5 क्या होते हैं वोवेल, यही आपको मालूम है। तो 5 वोवेल लेटर्स में शामिल कर दिया गया 20 वोवेल साउंड को, और 21 यानी कि 21 कंसोनेंट लेटर में शामिल कर दिया गया 24 कंसोनेंट साउंड को। अब जाके कितने हो गए टोटल, अब जाके टोटल हो गए ये 5 और ये 21, टोटल कितने हो गए 6। यानी कि अगर मैं अब लेटर की बात करूँ, ध्यान दीजिएगा, ये क्या होते हैं, ये लेटर होते हैं, ठीक है, टोटल कितने लेटर्स हो गए, अब बताइएगा, टोटल 26 लेटर्स हो गए। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक नया पेज ले लेता हूँ, उसमें आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। देखिए स्टूडेंट, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट हो सकता है आपको समझ, जो हमारी लैंग्वेज, हमारा जो ये हैंडराइटिंग है वो आपको समझ में ना आए। तो मेरा कहना सिर्फ ये होगा कि इसके लिए आप पेन और पेपर जब आप लेके बैठेंगे तो हर चीज़ आप नोट करते चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो लेटर हैं वो हैं क्या। जैसा कि अब हम लोग बात करने वाले हैं लेटर के बारे में, तो लेटर्स टोटल होते हैं 26, और अगर मैं 26 में किसी एक की बात करूं तो उसे मैं क्या बोलता हूं, आइए एक नया पेज मैं ले लेता हूं, ठीक है, मैं बात करने वाला हूं किसका, मैं लेटर्स की बात करने वाला हूं। अभी लेटर्स को मैं डिफाइन करूंगा, उससे पहले मैं बता दूं लेटर टोटल कितने होते हैं 26। अगर मैं किसी एक की बात करूं तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेट, क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट, ALPHABET। अल्फ़ाबेट को ज़रा बताएं हिंदी में क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट एक नाउन है जिसको हम लोग हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। अब ये वर्णमाला का मतलब क्या, मैं आपको बता दूं, जो लेटर भी हम लोगों ने पढ़ा ना, ये लेटर जो 26 होते हैं, लेटर को हम लोग हिंदी में, मतलब किसी एक पार्टिकुलर लेटर को, किसी एक, जैसे मान लेते हैं ए हो गया, बी हो गया, सी, डी, जेड, पी, क्यू, आर, जो भी होंगे, कोई एक लेटर की बात कर रहा हूँ, तो एक लेटर को ही हम लोग बोलते हैं वर्ण, यानी कि लेटर को हिंदी में अक्षर बोलते हैं या फिर वर्ण बोलते हैं, अभी आगे समझाने वाला हूँ। लेकिन उन सभी के ग्रुप को, यानी कि टोटल 26 होते हैं, उन सभी के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं ज़रा बताइए, अल्फ़ाबेट बोलते हैं, अल्फ़ाबेट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्णमाला, यानी कि वर्ड और माला दो शब्द से मिलकर बना, याद रखिए, वर्ड मतलब कि लेटर, वर्ड मतलब लेटर, और माला मतलब कि ग्रुप, ठीक है, ये लेटर का जो समूह होता है। तो टोटल कितने समूह में होते हैं, 26 होते हैं, मैंने भी आपको बताया, ठीक है, टोटल होते हैं 26, इन्हीं को हम लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं। एक बात बताइए, अगर मैं ए से लेके जेड की बात करूँ तो टोटल होते हैं 26, और ये 26 को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेट, क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं, ओके। तो ज़रा बताइए, क्या 26 के अलावा भी होते हैं, नहीं, अगर नहीं होते हैं तो हम इस 26 लेटर्स को अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो क्या हम इसे अगर प्लूरल बनाना चाहें तो बना सकते हैं, या नहीं, मैं अगर बात करूं, क्या मैं अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट्स बोल सकता हूं। आप लोग ध्यान से समझिएगा, एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ है इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, अल्फ़ाबेट्स मैं नहीं बना सकता,
अगर मैं अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट्स करूँगा यानी कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने का प्रयास करूँगा, ऐसा नहीं कि अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला तो अल्फ़ाबेट्स मतलब वर्णमालाएँ या कई वर्णमाला, नहीं, अल्फ़ाबेट्स की मीनिंग ही बदल जाएगी। जिसका मतलब होता है, क्या होता है बताइए, अगर किसी को बताओ, जिसका मतलब होता है अल्फ़ाबेट्स का मतलब भाषाएँ, क्या होता है भाषा यानी कि लैंग्वेजेस, ठीक है, प्लूरल है, ठीक है, बट उसकी मीनिंग ही बदल गया, भाषाएं, क्लियर। किसका मतलब अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स मतलब होता है भाषाएं, यानी कि अगर मैं जो लेटर है कोई मान लेते हैं जेड, अब जेड है ना, क्या वो अल्फ़ाबेट है? नहीं, वो क्या है, एक लेटर है, याद रखिएगा। यानी कि हम अगर बात करते हैं इस अल्फ़ाबेट का, ठीक है, इस अल्फ़ाबेट की अगर हम बात करें तो अल्फ़ाबेट जिसको हम वर्णमाला बोलते हैं ये कहाँ से कहाँ तक शुरू होते हैं, देखिएगा स्टूडेंट, अब यही से टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाता है ए बी सी डीज। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एकदम बेसिक कंसेप्ट से बताऊँगा, ए बी सी डीज बताऊँगा, वही है। अब यहाँ पर तो अल्फ़ाबेट हम यहाँ पर शुरू कर देते हैं, क्या टोटल जो 26 होते हैं उन्हीं को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, लेकिन वो एक ही होते हैं, कहाँ से कहाँ तक, ए बी सी, चले F, G, H, L, M, N, उसके बाद डॉटेड कर दे रहा हूँ, S, T, U, आगे है W, X, Y, Z। स्टूडेंट आप लोग को ये बताना है, इसको हम ए से लेके जो जेड तक की कहानी है, ए से लेके जो जेड तक की कहानी है, इन्हें हम लेटर नहीं बोलते हैं बल्कि इन्हें हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट, याद रखिएगा, जिसको हिंदी में हम लोग वर्णमाला कहते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूँ उन सभी स्टूडेंट से जो अभी नए हैं, जिनको मतलब कि बचपन में तो पढ़ाया गया, जैसे मान लेते हैं हाई स्कूल में है या एकेडमिक लेवल में है, सिक्स सेवन्थ एट स्टैंडर्ड पे हैं, ट्वेल्थ में है, या ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन भी करते हैं, या फिर आप कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो मैं उन स्टूडेंट से क्वेश्चन करना चाहता हूँ। वो क्वेश्चन ये है कि इसको हम बोलते क्या हैं, तो क्या सबको पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, ध्यान से समझने का प्रयास करें। इसको हम लोग बोलते हैं ए, अगले क्या बोलते हैं, बी। तो चलिए सब लोग ये बताएं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि जो आप लोग बोलेंगे कमेंट करके बताइए कि इसको हम क्या बोलते हैं। इसको जो भी आप बोलते हैं मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसको कुछ लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं यप, क्या ये सही है? चलिए कुछ लोग कहेंगे यच, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, यम। अब मैं यहाँ पर आपसे एक रिस्ट्रिक्शन देता हूँ, स्टूडेंट जो बचपन में हम लोग को पढ़ाया गया था प्राइमरी स्कूल से, जो स्टूडेंट्स पढ़े होते हैं उन्हें यही सब पढ़ाया जाता है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये पढ़ाया जाता है। बट स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है, मैं आपको बता दूं, इसे हम लोग एफ नहीं बोलते हैं स्टूडेंट, ये होता है क्या एफ, इसको एच नहीं बोलते बल्कि क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। इसी प्रकार यम नहीं बोलते बल्कि इसे क्या बोलते हैं, एम। अरे यार, हद तो तब हो जाती है जो प्राइमरी स्टूडेंट से बच्चा पढ़ा होता है, हद तो तब हो जाती है जब इसको क्या बोलता है वो, इसको बोलता है डब्लू, क्या बोलता है, डब्लू बोलता है। अभी आप गांव में देखेंगे ना तो डब्लू नाम के कई व्यक्ति मिल जाएंगे, ठीक है, ऐसे कई डब्लू गांव में टहलते हुए दिखते जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम डब्लू बोलते हैं। बट इस पूरे लेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, ज़रा बताइए, इस पूरे लेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि इसको हम लोग डब्ल्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डब्ल्यू। आज से याद रखिएगा, इसको हम लोग डब्ल्यू बोलते हैं। और चलिए ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम यक्स न बोल के बल्कि क्या बोलेंगे, एक्स, याद रखिएगा, इसको हम यक्स नहीं बल्कि एक्स बोलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं इस लेटर को क्या बोलेंगे, ये यहाँ जो है, तो अगर किसी में से किसी व्यक्ति को अगर पता होगा यस है, तो आज से उसको यस न बोल के बल्कि क्या बोलेगा, एस बोलेगा। ये बात आप एकदम रट लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका बेसिक में लेटर, सॉरी अल्फ़ाबेट के बारे में, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ नहीं बल्कि एफ जी
यच नहीं बल्कि एच, आई जे के, अब यल यम यन नहीं, एल एम एन, ओ पी क्यू आर यस नहीं एस टी यू। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ, इसको क्या बोलते हैं, ये जो लेटर है इसको क्या बोलते हैं, तो कुछ लोग इसको कहेंगे भी, क्या बोलेंगे भी। देखिए अपने जो, अब चूँकि मैं नाम नहीं लूँगा, अपने स्टेट में अपने हर जगह पे कुछ लोग अलग टाइप के बोलते हैं, जैसे अगर बिहार की बात करूँ तो वहाँ से कुछ लोग इसको भी बोलते हैं, और अगर इसी से बनने वाला जो वर्ड होता है इसको, तो इसको वॉइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं वॉइस। स्टूडेंट ये वॉइस नहीं है, क्यों, क्योंकि ये भी नहीं होता है स्टूडेंट, इसको हम लोग वी बोलते हैं, क्या बोलते हैं वी बोलते हैं। इसी प्रकार से ये आपका क्या कहलाएगा, वॉइस कहलाएगा, न कि वॉइस, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा समझेंगे, देखिए ये आपका क्या है, लोकल लैंग्वेज होता है, अब कुछ भी बोलें ये डोंट मैटर, ये डजेंट मैटर है, बट क्या करें कि आप इसको भी न बोलकर इसको आप जब भी बोला करें तो क्या बोला करें, वी बोला करें, क्लियर, ओके। अब हम बात आगे बढ़ाते हैं, ये था यहाँ तक क्या अल्फ़ाबेट के बारे में, ये उसका हिंदी हो गया। अल्फ़ाबेट मीन्स क्या, आप अभी मैंने आपको बताया, चलिए फिर से बताइए, अल्फ़ाबेट मीन्स क्या, वर्णमाला, अल्फ़ाबेट्स वर्णमालाएँ नहीं, अल्फ़ाबेट्स मतलब भाषाएँ, लैंग्वेजेस। अब मैं आपको बात करने वाला हूँ लेटर को क्या बोलते हैं, चलिए देख लेते हैं। ये जो लेटर है ना, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अब कुछ लोग अलग अलग इसका जवाब देने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूँ इसकी केवल दो मीनिंग है, ठीक है, इसकी कितनी मीनिंग, दो मीनिंग। अब लेटर को या तो हम लोग बोलेंगे अक्षर, या तो लेटर को हम लोग बोलेंगे पत्र, स्पेलिंग सेम रहेगा, याद रखिएगा स्पेलिंग सेम रहेगा अक्षर और पत्र का। अब ये मत कहिएगा सर एक तो मैंने देखा था एल ए टी ई आर, ठीक है, और एल ए डबल टी ई आर, तो इसकी मीनिंग मैं आपको बताने वाला हूँ बाद में, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है लेटर मतलब बाद में, ठीक है। तो चलिए फिलहाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या लेटर के मतलब होता है अक्षर और पत्र होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं लेटर को प्लूरल बनाने का, तो क्या बना देंगे आप लोग बताएं, लेटर में हम लोग एस जोड़ दिए। अब हम आपसे पूछ रहे हैं इसकी कितनी मीनिंग होगी और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे। याद रखिएगा अगर लेटर मतलब अक्षर होता है और लेटर मतलब पत्र होता है, तो जाहिर सी बात है कि लेटर्स का मतलब भी वही होगा, यानी कि अगर मैं बात करूँ अक्षर की, तो अक्षर को हम क्या बोल सकते हैं, अक्षरों, या हम इसको कई अक्षर भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा या तो अक्षरों बोलेंगे या तो क्या बोलेंगे, कई अक्षर। ध्यान दीजिएगा ये आपका प्लूरल है, इसलिए मैं आपको बात करने वाला हूँ, ठीक है। बट अगर मैं इसकी दूसरी मीनिंग की बात करूँ, यानी कि जो सेकेंड मीनिंग है, वो भी आपका कहलाएगा क्या, नाउन। अगर लेटर मतलब पत्र होता है, तो लेटर्स का मतलब क्या हो जाएगा, पत्रों, या जिस दूसरे शब्दों हम क्या कह सकते हैं, बोलिएगा ज़रा, कई पत्र, ओके। स्टूडेंट देखिएगा, मैं कोशिश करता हूँ कि आप देखिए, जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ तो कंटिन्यूटी के साथ मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, और मैं उसमें फिर लीन हो जाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसमें एकदम लीन हो जाइए, ठीक है। और जितने लोग अगर जुड़े हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो उनसे बोलिए कि आके वो जुड़ें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। देखिए कुछ स्टूडेंट का कमेंट आता है कि सर आपका जो है वीडियो हमें नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो मैं उनसे बताना चाहता हूँ, स्टूडेंट से वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ता है, ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे, अगर बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ये हमारा वीडियो आप तक पहुँचेगा, बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो ये वीडियो आप तक नहीं पहुँचेगा। अगर ये चीज़ें आपको ठीक लग रहा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करें, ताकि जो है ये बेसिक में या जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, किसी स्टूडेंट्स को अगर नहीं आता है तो कम से कम उसकी भला तो हो सकता है ना। और आपको पता है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अभी एक महीने बाद ये मैं पेड कोर्स में तब्दील कर दूँगा, उससे पहले है कि आप इसका भरपूर क्या करें, लाभ ले लें, ठीक है ना। चलिए टॉपिक पर आते हैं। अब देखिएगा ये जो तीसरा मीनिंग होगा ना लेटर्स का, तीसरा मीनिंग, अब देखिए मैं, अब आपको मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर ये बताइए अभी तक तो हम लोग जानते थे लेटर के दो मीनिंग, कौन कौन सा,
अक्षर और पत्र। तो सर इसको तीन क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जितना कम रहता है उतना अच्छा रहता है हम लोग को रटने में, उतना अच्छा रहता है हम लोग को याद करने में, तो इसको तीन क्यों बना दिए? तो फ्रेंड मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में आता है, इसलिए मैं इसको तीन बता रहा हूँ। नहीं तो मैं भी सोचता हूँ कि जितना कम रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही कम चीज़ों में आप क्या करेंगे अच्छे से पढ़ पाएंगे। ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। तो जहाँ से एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ है उसको तो मैं आपको पढ़ाने ही वाला हूँ, क्लियर। तो लेटर्स को जो तीसरी मीनिंग है लेटर्स का, उसको हम लोग बोलते हैं, अच्छा ये भी बता दो, ये भी आपका एक नाउन ही होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्ञान या साहित्य भी बोल सकते हैं, ज्ञान या साहित्य। ये बात याद रखिएगा, या तो ज्ञान बोलेंगे या तो साहित्य बोलेंगे। किसको? लेटर्स को, याद रखिएगा लेटर को नहीं। एक एग्जांपल लेते, एक छोटा सा फ्रेज है जो आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा। ए मैन ऑफ, ए मैन ऑफ क्या, लेटर नहीं बल्कि लेटर्स, ठीक है। ए मैन ऑफ क्या, लेटर्स, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं ज्ञानी, या फिर क्या बोलते हैं, विद्वान। या कभी कभी साहित्यिक व्यक्ति बोलते हैं, जिसको हम एक शब्द में साहित्यकार बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, साहित्यकार, ठीक है। किसका मीनिंग, थोड़ा सा हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम है, उसको आप लोग समझने का प्रयास करें। इसको मैंने कहा ए मैन ऑफ लेटर, ठीक है। इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ए मैन ऑफ लेटर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्ञानी, विद्वान या साहित्यकार। आगे देखते हैं हम लोग। अब मैं इसका कुछ एग्जांपल तो दे दिया, इसका मैंने क्या किया, एक फ्रेज के रूप में मैंने एग्जांपल तो दे दिया कि लेटर्स को हिंदी में हम लोग तीन शब्द के नाम से जानते हैं, पहला अक्षरों या कई अक्षर, पत्रों या कई पत्र, और तीसरा होता है ज्ञान या साहित्य। याद रखिएगा ये जो आपका ये फ्रेज है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये वाला एग्जाम्पल आपका इम्पॉर्टेंट। ए मैन ऑफ लेटर्स होता है, जिसको हिंदी में ज्ञानी भी बोल सकते हैं, विद्वान बोल सकते हैं या साहित्यकार बोल सकते हैं। एक बात यहाँ पे आप मन में रख लीजिएगा कि लेटर का जो ये एस है इसको हम हटा नहीं सकते, याद रखिएगा, यानी कि जैसे ही हटाएंगे वो गलत हो जाएगा, क्लियर। तो ये लेटर में एस लगा होना चाहिए, तभी हो जाएगा वो ज्ञानी या विद्वान या साहित्यकार, ठीक है। अब मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ से तीन टाइप के क्वेश्चंस बने हैं। पहला फिल इन द ब्लैंक, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें कुछ ब्लैंक दिए गए होते हैं उसको आपको दिए गए ऑप्शन से फिल करना होता है, जिसको हम लोग रिक्त स्थान की पूर्ति करना बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बनता है स्पॉटिंग एरर का, ठीक है। सेकंड क्या बनता है, स्पॉटिंग एरर, यानी कि जहाँ से हम लोग एरर्स को ढूंढते हैं, जिस सेंटेंस में से हम लोग एरर को आइडेंटिफाई करते हैं, वही जहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं वही हमारा आंसर होता है। और तीसरा होता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, क्या होता है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन। तो ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का भी जो क्वेश्चन होता है वो बताता है कि दिए गए ऑप्शन में कोई पार्ट बोल्ड है, अंडरलाइन है या इटैलिक है, कल मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, उसी वाले पार्ट पे अगर कोई एरर है तो ए बी सी ऑप्शन में से कोई सेलेक्ट करेंगे, अगर उसमें कोई एरर नहीं तो डी वाला हम लोग ऑप्शन मानते हैं आंसर, क्योंकि उसमें लिखा होता है नो इम्प्रूवमेंट या नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो तीन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अब मैं आपको यही इसके एग्जांपल बता के और आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करता हूं, और अगली जो क्लास होगी अभी 10 मिनट बाद होने वाली है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप लोग को थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए 5 से 7 मिनट का, उसके बाद नेक्स्ट क्लास आपकी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में जो हमारे और आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। एग्ज़ाम्पल ये है, अगर मैं पहले एग्जांपल की बात करूँ, एग्जांपल मतलब कि वो क्वेश्चन जो हमारे और आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ एक एग्जांपल, मैंने कहा, हमने कहा ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, आगे मैंने कहा एंड ए मैन ऑफ
लेटर टू, ये हो गया फर्स्ट सेंटेंस, सॉरी ये हो गया आपका फर्स्ट सेंटेंस। ठीक है, क्या हो गया देखिए, लिखा है ही इज अ टीचर एंड एम आई ऑफ लेटर्स टू, यानी कि देखिएगा जो नए होंगे उनको तो अभी इसका मीनिंग समझ नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं। देखिए मैं एक छोटा सा स्टोरी आपको बताना चाह रहा हूं। सॉरी, जितने स्टूडेंट्स नए हैं जिनको पता है कि मुझे ए बी सी डी तक नहीं आता और उनको समझ में, आप देखे होंगे कुछ गोताखोर अंदर घुसते हैं और अंदर जब गहराई में जाते हैं तो उनको कई चीज़ें उसमें नज़र आती है, पानी के अंदर भी कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी मछलियाँ, कई प्रकार की मछलियाँ, ठीक है, बहुत से चट्टान पत्थर ये इत्यादि, ये सारी चीज़ें उनको दिखाई देता है, उनको नज़र आता है। बट अगर हम और आप उसी पानी में अंदर घुसें तो शायद हमको और आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि गोताखोर जो होते हैं वो अपने अंदर एक टेक्निक का प्रयोग करते हैं, ठीक है, अपने सिर में बांधे रहते हैं, एक कांच होता है, अंदर ऑक्सीजन भी उनको मिलता रहता है, और कुछ टेक्निक का प्रयोग करते हैं, कुछ लाइट का प्रयोग करते हैं जिनसे वो अंदर की चीज़ें उनको दिखता है। ठीक है, बट हमें और आपको नहीं दिखता क्योंकि हम लोग उस टेक्निक का प्रयोग नहीं करते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं किसी भी एग्जाम्पल को लिख रहा हूँ आपके सामने, तो ही क्या है अभी आपको नहीं पता, इज क्या है नहीं पता, ए क्या है नहीं पता, टीचर क्या है नहीं पता, मतलब हर एक लेटर जो इसमें लिखे गए, हर एक वर्ड जो लिखा गया है उसके बारे में अगर आपको नहीं पता है, तो ये चीज़ तब आपको आएगा जब आप कम्प्लीटली क्या कर लेंगे, जब आप इसको एक एक करके समझ लेंगे, पढ़ लेंगे तब। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं अगर बताना चाहूँ, ही एक आपके क्या है प्रोनाउन है, ठीक है, इज क्या है एक आपका हेल्पिंग वर्ब है, ए क्या है आर्टिकल है, टीचर क्या है एक नाउन है, एंड क्या है कंजक्शन है, ए क्या है आर्टिकल है, मैन क्या है एक नाउन है, ऑफ क्या है प्रीपोजिशन है, लेटर क्या है एक नाउन है, और टू क्या है आपका, ये आपका दो होता है, ठीक है, एडवर्ब होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये सभी क्या कहलाते हैं, इसको आपको तभी समझ में आएगा एक एक वर्ड के बारे में जब आपको पूरी कहानी पता हो, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पता हो। तो अभी तो ये बेसिक है, अभी आपको उतना ही समझ में आना चाहिए जितना आपको ज़रूरत है। ठीक है, एक एक टॉपिक हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। तो यहाँ पर जो लिखा गया है स्टूडेंट वो क्या है आपका, ही इज़ अ टीचर एंड ए मैन ऑफ लेटर्स टू। ठीक है, वह एक अध्यापक है और एक ज्ञानी भी है, याद रखिएगा, वह एक अध्यापक और साहित्यकार भी है, वह एक अध्यापक और विद्वान भी है। ठीक है, वह एक शिक्षक और ज्ञानी भी है, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं। अब आपके एग्ज़ाम में क्या आएगा, सपोज़ कि स्पोर्टिंग एरर का क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ से क्या करेगा वो, यस को हटा देगा, नहीं रहेगा, पार्ट नंबर ए कर देगा, पार्ट नंबर बी कर देगा, पार्ट नंबर ये सी हो जाएगा, और यहाँ पर लिखा रहेगा पार्ट नंबर डी में नो एरर, ठीक है, पार्ट डी कर देगा, तो आपके सी में एरर कर देगा और यही आपका आंसर हो जाएगा यदि वहाँ से यस को हटा देगा तो। क्लियर, आइए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके सामने, ही वाज अ नोन ओरेटर। आइए मैं दिखाता हूँ आपको अगला एग्जांपल। मैंने कहा ही वाज ए नोन ओरेटर, ओरेटर मतलब वक्ता होता है, एंड ए मैन ऑफ लेटर्स, ए मैन ऑफ लेटर्स। तो यहाँ पर क्या है, वह एक वक्ता है और क्या है, ज्ञानी है। ठीक है ना, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर लेटर में एस लगा होना चाहिए, ये बात मैंने आपको बार बार बताया, और ये चीज़ आपके मन में रख लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में जब भी आपको आएगा तो ये चीज़ें आपको दिखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, थर्ड पे, थर्ड एग्जांपल है, हमने कहा ही वाज अल्टरनेटली जज कॉमा इंजीनियर, फिर कॉमा आगे मैंने कहा आर्टिस्ट, आगे मैंने कहा एंड
ए मैन ऑफ लेटर। सबसे पहले आप ये बताएं कि इस पूरे सेंटेंस में एरर कहाँ पे है, एरर कहाँ पे है बताइएगा ज़रा। लिखा ही वाज अल्टरनेटली जज, इंजीनियर, आर्टिस्ट एंड ए मैन ऑफ लेटर। तो मेरे ख्याल से जो मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया उस हिसाब से ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एरर कहाँ पे है, इस लेटर में है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एस लगा दें तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यानी कि वह अल्टरनेटली, वह एक एक करके क्या है, जज है, इंजीनियर है, आर्टिस्ट मतलब कलाकार है, और क्या है, ज्ञानी है। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये हो गया आपका थर्ड एग्जाम्पल। एक और लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद फिर आज की कहानी यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे लेटर के दो पार्ट जो होते हैं उसके बारे में, वॉवल और कंसोनेंट के बारे में। ठीक है, एक फोर्थ एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। मैंने कहा बीइंग अ राइटर, बीइंग अ राइटर ही सा हिमसेल्फ एज ए मैन ऑफ लेटर्स एंड हिज लेटर्स शो ऑल, हिज लेटर्स शो ऑल हिज correspondent qualities, all his correspondent qualities। यहाँ पर इसका क्या मतलब है डियर, यहाँ पर इसका जो मतलब मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखिएगा। लिखा बीइंग अ राइटर, ठीक है, यानी कि एक लेखक होने पर ही सा हिमसेल्फ, वह स्वयं को देखा क्या, एज ए मैन ऑफ लेटर्स, ठीक है, एंड हिज लेटर्स। अब यहाँ पर लेटर मतलब उसके पत्र नहीं, एंड हिज लेटर्स यानी कि उसके जो ज्ञान है वो क्या है, शो दिखाता है, क्या दिखाता है, प्रदर्शित करता है, ऑल हिज करेस्पॉन्डेंट क्वालिटीज यानी कि उससे संबंधित जो उसकी गुण है, जो उसकी क्वालिटी है, वही उसके ज्ञान जो है प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं एक लेखक होने पर उसने स्वयं को एक ज्ञानी के रूप में देखा और उसका ज्ञान उसकी सभी करेस्पॉन्डेंट क्वालिटीज़ को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। ठीक है, ये था आपका चार एग्जाम्पल जिसके माध्यम से हम लोगों ने देखा कि हमारा जो लेटर है वो लेटर्स की हिंदी में हम लोगों ने तीन प्रकार से हिंदी देखा। ठीक है, तो लेटर की कितनी मीनिंग, दो अक्षर और पत्र। लेटर्स की कितनी मीनिंग, तीन, कई अक्षर, कई पत्र और ज्ञान या साहित्य। ए मैन ऑफ लेटर होगा, ए मैन ऑफ लेटर्स, सब लोग बताएं। ये जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ इसको आप चाहें तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। ए मैन ऑफ लेटर्स मतलब ज्ञानी, विद्वान या साहित्यकार। ठीक है, अब इसकी मैंने चार एग्जाम्पल बताया जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। हिंदी में जिन्हें हम अक्षर कहते हैं अंग्रेजी में वे लेटर्स कहलाते हैं। यानी कि अब हम बात सिर्फ किसकी नहीं करते हैं, ठीक है, अब हम यहाँ पर बात सिर्फ करने वाले हैं अक्षर की। ठीक है, ये जो अक्षर है ना, लेटर मतलब अक्षर, मैं पत्र की बात नहीं करने वाला। ठीक है, और किसकी बात नहीं करने वाला, ये पत्रों की, साहित्य की। ठीक है, ये मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया, देखिएगा ये आपके एग्ज़ाम में आते हैं इसलिए मैंने आपको बताया। और ये चीज़ें पत्र के बारे में हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैंने कल जो सिलेबस बताया उसमें लेटर राइटिंग, प्रेसिस राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग होगा ना, तो जब लेटर राइटिंग आएगा तो वहाँ पे मैं इनकी फिर से चर्चा करूँगा पत्र के बारे में। अभी हम लोगों को जो अगली क्लास में होगी वो हम लोग को क्या पढ़ना है, अक्षर के बारे में, कई अक्षरों के बारे में। ठीक है, जिसको हम दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे, वोवल लेटर्स और कंसोनेंट लेटर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो होगा अभी 10 मिनट बाद होगा, और उसमें आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रैक्टिस पेपर या न्यूज़पेपर जो भी होगा, क्योंकि देखिए पढ़ना आपको ही है और पढ़ाना हमको ही है। ठीक है, और मैं कल 3 घंटे की क्लास पूरा नहीं ले पाया था क्योंकि ये साउंड में कुछ प्रॉब्लम भी आ रही थी और एप्लीकेशन यूज़ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। आज मैंने पढ़ाया और अभी देखता हूँ कि आज भी हो सकता है कि कम्प्लीटली पढ़ा दिया जाए। चलिए,
हम लोग बात करते हैं किसका अगले वीडियो मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू ऑल। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि कौन सी चीज़ें आपको कैसा लगा, आपको वॉइस क्लियर हो रही थी कि नहीं हो रही थी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए ओके।